नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। बात करेंगे राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता रसोईया जीविका ANM GNM आप सभी के मानदेय में वृद्धि का ऐलान राजस्थान सरकार के द्वारा हुआ है। तो वीडियो पूरा शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। मैं आप सभी कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं, अगर आप राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं तो आप सभी के मानदेय में बम्पर वृद्धि हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने इसका ऐलान किया है। जैसे कि लंबे समय से राजस्थान के चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, इन सभी कर्मचारियों को एक ही मांग थी कि इनका वेतन वृद्धि हो जाए। फाइनली राजस्थान सरकार ने आप सभी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान सरकार बहुत जल्द आप सभी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने वाला है, तो फाइनली वह नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पेपर की कटिंग में भी देखने को मिल गया होगा, दशहरा तक आ जाएगा बढ़ा हुआ मानदेय आपके खाते में। आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता रसोईया जीविका इन सभी कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 10 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं तो आपको दिए जाएंगे रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। साथ ही साथ इन सभी कर्मचारियों को DA HRA और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ राजस्थान सरकार देने जा रही है, क्योंकि समाज कल्याण के द्वारा पूर्ण रूप से मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द यह राशि आप सभी के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब भी कई चैनलों के माध्यम से देख चुके होंगे कि कितने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ रहा है और किसको नियमित किया जा रहा है। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय राजस्थान।